निशा जी कहाँ हो, जल्दी आओ। अजय आई, आप बुला तो ऐसे नहीं जैसे लॉटरी जीत के आए। मैं तुम्हारे लिए नई चूड़ियां लाया हूँ, तुम्हें पसंद आएंगी। अरे वाह पतिदेव, ये तो बहुत ही सुंदर है, आपने तो आज हैरान कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी पुरानी चूड़ियां हैं, हाँ? वो तो तुम फेंकने वाली हो नहीं, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा, आज हम पुरानी चूड़ियों से कुछ मजेदार बनाएंगे। इसके लिए चाहिए 16 चूड़ियां, 1 मीटर बारीक नेट वाला कपड़ा, सुई और धागा, छोटे कांच के टुकड़े, रबर बैंड, गोंद और कैंची। सबसे पहले नेट के कपड़े पर चूड़ी रखें और इतना कपड़ा काटें कि चूड़ी पूरी ढक जाए। अब चूड़ी को ढक के पीछे की तरफ रबर बैंड या धागे से बांध दें। अब चूड़ी पर अपने मनपसंद मन के चिपकाएं। ऐसे ही सारी 16 चूड़ियां नेट से ढक के बना लें और उन पे मन के चिपका दें। अब हम चूड़ियों को हीरे का आकार देंगे। इसके लिए 4 चूड़ियां लेके एक साथ सिल लें ताकि एक लाइन बन जाए। ऐसे ही 3 चूड़ियां जोड़नी है और 3-3 की 2 लाइनें बनानी है। ऐसे ही 2 चूड़ियां जोड़े और ऐसे 2 लाइंस बनाएं। अब हीरे के आकार में सभी लाइंस जोड़ लें। बची हुई 2 चूड़ियां ऊपर नीचे सिल लें। ये तैयार है। निशा जी, मुझे कई बार लगता है अगर मैं तुम्हारे लिए चांद भी लाकर दे दूं ना, तो तुम उसका कुछ ना कुछ बना ही लोगे। सुना आपने? वैसे पता नहीं, चांद का भी अगर आइडिया आ जाए तो कुछ ना कुछ जरूर बना सकते हैं। आप भी इन चूड़ियों से कुछ ना कुछ नया जरूर बना सकती हैं। तो और सोचे।